गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जहाँ पर जो कायरा रहती है उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है रिद्धि के ऊपर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि रिद्धि ने सबके सामने उसके लिए स्टैंड लिया रहता है। ना कि सिर्फ उसके लिए स्टैंड लिया रहता है जबकि उसने एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी स्टैंड लिया रहता है, और वो सबके सामने कहती है कि दैट आई एम प्राउड टू बी हु आई एम। और ये देखकर कायरा को बेहद प्यार आता है रिद्धि के ऊपर, और इतना ज़्यादा उसे प्यार आता है कि वो उसके साथ थोड़ा फिजिकल होती है और ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है। अब मॉर्निंग के टाइम पे जो रिद्धि होती है उसका अलार्म बजता है, और रिद्धि देखती है कि 7 बज रहे रहते हैं, और उसे याद आता है कि उसे कुछ काम करना है। तो वो एकदम से कायरा से अपना पूरा हाथ वाथ छुड़ाती है, अपनी ड्रेस देखती है, और वो कपड़े पहन के थोड़ा बैठती है, और पहले वो जाती है वॉशरूम में, अपना फेस वेस को वॉश करती है, और थोड़ी देर के बाद वो मोबाइल उठाती है और वो कुछ काम करना स्टार्ट कर देती है। हाँ, उसको 7 बजे कुछ ज़रूरी काम करने रहते हैं, मतलब जो पेंडिंग काम था उसका जो उसे कल करना चाहिए था वो नहीं कर पाई थी, तो वो आज सुबह से उठने रहती है। तभी रिद्धि तो आराम से काम में बिजी रहती है, तो कायरा तो सो रही रहती है। सोते सोते जब वो एकदम से टर्न होती है और रिद्धि के ऊपर हाथ रखने वाली रहती है, तब उसे रिद्धि नहीं दिखती है, तो उसकी नींद खुलती है हल्की सी, और वो हल्के से नींद खोलते हुए बोलती है कि रिद्धि कहाँ हो आप? तो वो कहती है कि कायरा मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ, यहीं पर हूँ, आप सो जाओ। तो कायरा बोलती है कि मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे को साथ लेकर चलना। तो वो कहती है हाँ बाबा, मैं आपको साथ लेकर जाऊँगी, आप सो जाइए। और कायरा ये बोलकर सो जाती है। रिद्धि यहाँ पर काम कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद कायरा का फ़ोन बजता है, और वो नींद में ही फ़ोन उठाती है, और फ़ोन उठा के बोलती है हाँ हूँ, हाँ हाँ ठीक है ओके ओके, और ऐसे करके फ़ोन रख देती है। रिद्धि को यहाँ समझ में आता है कि इसने किसका फ़ोन उठाया है और क्या बोल रही है, समझ में आता है। रिद्धि अपने अपने मोबाइल को साइड में रखती है और थोड़ा जाती है आगे, और वो देखती है कि वो तनु का कॉल रहता है। वहाँ से वो फ़ोन पिकअप करती है, तो वहाँ पे हेलो 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 करके तनु चिल्ला रही रहती है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो कहती है रिद्धि मैम, ये कायरा को क्या हुआ है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही ढंग से? तो कहती है नींद में है वो, क्या हुआ, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है इसने मुझे बोला था कि आज ही पूरा दिन मैं इसके साथ बिताऊं, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैम मैं इसके साथ पूरा दिन बिताऊंगी। अब मैं इसे होटल का एड्रेस पूछ रही हूँ कहाँ पर है, तो ये हाँ ठीक है ओके बोलकर फ़ोन रख दी है। तो कहती है वो नींद में है ना इसलिए। अच्छा मैं बता देती हूँ, रेसिडेंसी होटल है, आप इधर आ जाइए। तो कहती है ओके मैं आ जाती हूँ। मैम कब आऊँ? तो कहती है आप 1 घंटे के में आ जाइए, 1 या 1.5 घंटे के में, क्योंकि तभी तो कायरा उठी नहीं है, मैं इसको उठाऊँगी, फिर ये नहाने जाएगी वगैरह, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो कहती है ओके मैम। मैम अभी आपके और उसके बीच में सब शॉर्ट आउट है ना? तनु पूछती है। तभी वो बोलती है कि हाँ सब कुछ शॉर्ट आउट है, एंड सॉरी ये उसका मोबाइल था, मुझे ऐसे पिकअप नहीं करना चाहिए था, प्राइवेसी चीज़ें होती हैं, पर मुझे आपकी वॉइस यहाँ से बहुत लाउड तरीके से सुनाई दे रही थी, और कायरा ने तो अपना मोबाइल कहाँ पटक दिया उठा के, उसे भी नहीं पता, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। तो कहती है नहीं नहीं मैम, इतना तो चलता है, आप क्यों ऐसे सॉरी बोल रहे हो? वो बोलती है ठीक है। फिर वो फ़ोन रख देती है, और रिद्धि जो होती है कि उसे तो अपनी वाइफ की सारी आदतों के बारे में पता रहता है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी अच्छाई बुराई, उसकी आदतें, सबसे भी मोहब्बत हो ही जाती है। उसी तरीके से रिद्धि को भी प्यार हो चुका रहता है कायरा से, और उसे पता रहता है कि कायरा नींद में होती है तो क्या बात करती है वो खुद भी नहीं जानती है। तो ये बोलकर वो थोड़ी देर कायरा को सोने देती है, क्योंकि अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ करेगी, इसलिए। यहाँ पे फिर से रिद्धि अपने काम पे लग जाती है, और वो एक नोट पैड निकाल के बहुत सारी चीज़ें लिख रही रहती है, वो अपने ही काम में पूरी तरीके से बिजी रहती है। जब ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वॉशरूम जाती है, वो पहले फ्रेश होती है पूरे तरीके से, फिर वो ड्रेस पहनती है। तो आज उसने जो ड्रेस पहनी रहती है वो प्रॉपर एक सूट पहना रहता है, और वो प्रॉपर सूट पहनकर रेडी होके बाहर आती है। फिर वो वहाँ से कायरा के लिए जीन्स निकालती है और एक थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती निकालती है, एकदम शॉर्ट नहीं, थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती, और उसकी मैचिंग की
ब्रेसलेट होता है वो सब निकाल के, सब चीज़ निकाल के वो पूरा तैयार करके रखती है। कायरा थोड़ी देर तक ऐसी मतलब नींद में रहती है, तो वो हीटर तक ऑन करके आती है वॉर्म वाटर्स के लिए एवरीथिंग। जब कायरा थोड़ी देर के बाद खुद ही उठ जाती है, कहती है गुड मॉर्निंग रिद्धि, तो वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो कहती है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी रेडी भी हो गई हो? तो रिद्धि बोलती टाइम देख क्या है आपने? तो कहती कितना बज रहा है अभी? तो एक्चुअली वो 10 o'clock हो रहा रहता है। तो कहती 10 o'clock हो गया है, मैं 10 o मतलब तो मैं 10 बजे तक सो रही थी रिद्धि। तो वो कहती है कि हाँ आप 10 बजे तक सो रहे थे। मैं इतना लेट कैसे हो सकती हूँ रिद्धि, आपने मुझे उठाया भी नहीं, दैट इज़ वेरी बैड। तो वो कहती है कि अरे आप सो रहे थे, और वैसे भी आपकी नींद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नींद सही तरीके से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैंने पानी वानी सब ऑन कर दिया, आप जाके नहा लीजिए। तो रिद्धि की ये बात सुन के कायरा बहुत खुशी से आती है, उसे हग करके बोलती है थैंक यू सो मच, आप कितने सपोर्टिंग हो। तो कहती हूँ आप भी तो हो, जाओ जल्दी से नहा लो, जल्दी हमें लेट हो जाएगा। तो कहती ओके मैं सिर्फ 10 मिनट में आई। तो कहती जाओ, फिर वो वहाँ से नहाने वहाने चली जाती है, नहा धोकर वापस आती है। फिर वो आकर देखती है तो उसके पूरे मैचिंग के बैंड मतलब जो ब्रेसलेट्स होता है सब कुछ, ड्रेस वगैरह हर चीज़ रिद्धि ने निकाल के रखी रहती है। कायरा ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और उसे ये तरीके का बिहेवियर इतना अच्छा लगता है। फिर वो फटाफट ड्रेस पहनती है, तैयार होती है। फिर ये लोग नीचे की तरफ जाते हैं ब्रेकफास्ट एरिया में। जैसे ही ब्रेकफास्ट एरिया में वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर तनु उसे दिखती है, तो वो एकदम तनु आकर उसे हग करके बोलती कायरा। तो तनु कायरा बोलती है तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तो कल तुझे नहीं बताया था। कायरा कहती है, तभी तनु कहती है हाँ मुझे पता है, और सुबह मैंने मॉर्निंग में तुझे फ़ोन किया था, तूने मुझसे क्या बात करी? तो कहती तूने मुझे फ़ोन किया था मॉर्निंग में? सीरियसली तूने मुझे फ़ोन किया था मॉर्निंग में? मुझे तो पता भी नहीं है, कब किया था तूने? रिद्धि वहाँ पर हंस रही रहती है, मतलब उसकी हंसी बहुत बहुत लाइट रहती है, मीन्स लाइक वो बस एक थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराहट होता है ना, वो था उसके फेस पे। तो खैरा की तरफ देखकर तनु बोलती है हाँ सही बोला था रिद्धि मैम ने कि तू नींद में होती है तो तू क्या करती है, तुझे कुछ नहीं पता रहता, राइट? तो कहती है कि कायरा रिद्धि ने बोला था, तू तेरी रिद्धि से कब बात हुई? तो कहती अरे तू इतना दिमाग मत लगा, छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालते, वरना ज़्यादा जोर लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ चल बोल आज का क्या प्लान है? तो रिद्धि थोड़ा सा मोबाइल में ही लगी रहती है। तो कायरा बोलती है सुनिए ना, तो रिद्धि बोलती है हाँ बोलो, आज का क्या प्लान है? तो कहती है मुझे तो कॉलेज जाना है, तुम्हें बताया था ना मैंने, तो मैं वहाँ जाती हूँ, तुम चले जाओ इसके साथ मतलब तनु के साथ, आपको जहाँ घूमना है फिरना है घूम लीजिए, फिर मुझे मिल लीजिएगा। तो कहती है नहीं, तनु अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कॉलेज चलें, इनका वो जो कॉलेज है नया हुआ है उसका ना इंटीरियर बहुत अच्छा है, मुझे कल मज़ा आया था पर मैं पूरा नहीं घूम पाई थी क्योंकि ना कोई था नहीं मेरे साथ और ये इनोग्रेशन में ही बिजी थी, तो अपन घूम लेंगे। तो कहती है हाँ ठीक है मुझे तो कोई इशू नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग। तभी रिद्धि बोलती है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू गो देयर? तो कहते हैं यस यस आई एम डैम श्योर। पर कायरा को कोई रोक सकता है आज तक? कायरा को रोकने वाला कोई इंसान आया है क्या? कायरा को वही करना होता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है, और रिद्धि ये जानती थी कि अगर वो उसे मना करेगी तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेगी, इसलिए रिद्धि कुछ नहीं बोलती है। और उसे ये भी रहता है कि हाँ तनु तो एक्चुअल में है ना साथ देने के लिए, तो कोई इतनी इशू वाली भी बात नहीं है। तो ये लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं और तीनों कैब से कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही कॉलेज का टाइम आता है तो वहाँ पर अंदर जाते हैं, तो रिद्धि शाह मतलब नाम ही चलता है रिद्धि शाह का, तो जैसे ही रिद्धि के बारे में आता है तो फिर अंदर से बुलाया जाता है, कुछ पेपर्स वर्क रहते हैं इनोग्रेशन के टाइम के, और कुछ अलग ही रहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी ब्रांच खुली रहती है, मेन मेन कॉलेज की ब्रांच रहती है, तो उन्हीं की वो सब चीज़ों में वो थोड़ा सा पेपर वर्क इन सब में बिजी रह हो जाती हैं। यहाँ पर जो हमारी
कायरा रहती है, वो तनु का हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से घूम रही फिर रही रहती है, पूरा कॉलेज का इंटीरियर देख रही रहती है। और इस ड्यूरेशन में वो उसे बताती है एक वीडियो क्लिप तनु को, तो तनु बोलती है ओ माई गॉड मैम ने इतने बोल्ड तरीके से ले लिया। तो कहती है कि हाँ यार पता नहीं क्यों रिद्धि है ही ऐसी यार, कोई भी रिद्धि से प्यार करे बिना कैसे रह सकता है। उनका शीतल सा व्यवहार, उनका शांत नेचर, और जब वो लेती हैं स्टैंड तो वो पूरे तरीके से लेते हैं यार, कौन नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ना वो तनु और ये लोग बात ही कर रहे रहते हैं और बहुत मस्ती से पूरा कॉलेज को घूम रहे रहते हैं। तो पहले बहुत सारी क्लासरूम में घूमते हैं इधर से उधर, फिर यहाँ पर चल रहा रहता है, हर एक एक चीज़ चल रही रहती है। फिर ये लोग ना एकदम प्लेग्राउंड पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ और लड़के बास्केटबॉल खेल रहे रहते हैं। तो एकदम से एक बास्केटबॉल कायरा के पास आती है, तो कायरा देखती है और वो कायरा बॉल को वापस कर देती है। तभी वो कहते हैं ए लिसन लिसन गाइस लिसन, वो लड़का सबको चिल्लाकर बुलाता है, कहता है हाँ हाँ क्या हुआ। तो कहते हैं ये वही है, वही वो जो मैडम है ना उनकी बीबी है ये, चलो आज इनके मज़े लेते हैं। उस दिन तो अपन मैम के मज़े ले नहीं पाए थे ना, वैसे वो रिद्धि के मज़े लेना इतना आसान नहीं है, वो लेने नहीं देती, पर इसके ले सकते हैं, इसने ना सबके सामने अपनी बीबी को किस किया था, तो इसके मज़े ले सकते हैं, ये गरम दिमाग की है, इसको है ना इसके साथ ना अपन कैसे भी व्यवहार करें ना मज़ा आएगा। तो तभी वहाँ से वो बॉल फेंकता है और फिर से बॉल कायरा के पास आती है। तो कायरा को अब समझ में आता है ये कुछ इंटेंशनली हो रहा है, तो वो टर्न होके बोलती है कि अपनी बॉल को सही तरीके से रखो ना, बास्केटबॉल कोर्ट से वापस बाहर क्यों जा रही है, तुम्हें खेलना नहीं आता है क्या। तो तभी वहाँ से वो लड़का खड़े होकर बोलता है अगर आपको आता है तो सिखा दो ना, मुझे तो ये लगता है कि आपको सिर्फ दिल लगी करने के अलावा और कुछ नहीं आता होगा, और वैसे भी आप लोगों से क्या ही उम्मीद करें, आपको लोगों को तो कुछ इसके अलावा आता भी नहीं होगा, इसी में ही आपका दिमाग रहता होगा। तभी तनु थोड़ा भड़कती है और आगे जाकर बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय इस टाइप के लोग। तो कहते अच्छा आप भी लेस्बियन हो क्या। तो कहती है ओए जबान संभाल के बात करो, होते कौन हो तुम जो हमसे इस तरीके से बात करने वाले, और ये बदतमीजी हम तुम्हारी हैंडल नहीं करने वाले हैं। तभी वो कहता है अच्छा तो तुम लेस्बियन हो, तो लेस्बियन को लेस्बियन बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, कल तो इनकी वाइफ ने तो खड़े होकर सबके सामने बोला था। वो लड़का ऐसे बोलता है। तभी तनु बोलती है मैं स्ट्रेट हूँ और ये मेरी दोस्त है, ठीक है तो कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तो तभी वो कहता है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, पर देखना चाहते हैं कि इनको सिर्फ दिल लगी करने के अलावा और ऐसे लेस्बियन के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं। कायदा बहुत शांति से रहती है, फिर मतलब इस बार वो उतना गुस्सा जिस तरीके का उसका एटीट्यूड रहता है एग्रेसिव होना वो कुछ नहीं होती, वो शांति से उन लड़कों के सामने खड़े होकर बोलती है देखो मैं समझ सकती हूँ जिस स्टेज पर तुम हो उस स्टेज से हम भी गुजरे हैं, क्यों तनु जितनी आग तुम्हारे अंदर है, जितनी क्यूरियसिटी, उंगली करना, लोगों को पोक करना, ये सब हम हैंडल कर चुके हैं और मैं इस बात का बुरा भी नहीं मानूंगी क्योंकि हम भी उसी टाइप के थे, हमें भी अपने टीचर्स को परेशान करना, उनके साथ मस्ती मजाक करना हमें भी अच्छा लगता था, तो तुम कर रहे हो तो इसमें मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही है, और वैसे भी बच्चे तो होते ही इस टाइप के हैं, तुम चाहे कितना भी बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात क्या बोला आपने कि लेस्बियन लोग हैं वगैरह, एक्चुअली एक बार रिद्धि मैम जो जिनको तुम लोग लेस्बियन लेस्बियन करके चिल्ला रहे हो उनके बारे में ना उनकी बायोग्राफी समझ लेना और खासकर उनकी वाइफ की बायोग्राफी भी समझ लेना, दोनों के बारे में जान लोगे ना तो पता चलेगा कि हमारा रिलेशन कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ठीक है। और हाँ हम लेस्बियन हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। चले तनु, तो तनु बोलती है कि यार मुझे तो गुस्सा आ रहा है और तू इतने प्यार से कैसे बात कर सकती है। तो वो कहती है कि चल ना छोड़ बच्चे हैं और क्या। तो तनु से वो जा रही, तभी वो फिर से बास्केटबॉल इतनी जम के फेंकता है कि इस बार कायरा के बैक पे थोड़ी सी लग जाती है। तो कायरा बोलती है अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो कहता है कि इतने आसानी से तो हम जाने नहीं देंगे ना आपको, अगर आपको लगता है कि आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है, आपकी बायोग्राफी वगैरह जाननी चाहिए, तो एक बास्केटबॉल मैच हो जाए,
कायरा स्माइल करती है और बोलती है, सीरियसली तुम मुझसे बास्केटबॉल मैच करोगे? तो तभी वहाँ से बच्चे लोग आकर बोलते हैं कि क्यों, आपको डर लग गया क्या? आप नहीं कर सकते क्या? आपके बस की नहीं है क्या बास्केटबॉल मैच करना? इस बात पे वो हंसने लगती है और वो तनु की तरफ देखती है, तनु भी स्माइल करती है और बोलती है कि करना है क्या? तो कहती है कि हाँ करते हैं। तो कहते हैं ठीक है आ जाओ। तो यहाँ से कायरा अपना मोबाइल्स वगैरह सब चीज़ें तनु के हाथ में देती है और कायरा वहाँ से बास्केटबॉल के लिए चली जाती है। जैसे वो बास्केटबॉल कर रही रहती है तो वहाँ से सामने वाला लड़का आता है और ये आते, दोनों बहुत तेज़ी से बास्केटबॉल अच्छी स्पीड में कर रहे रहते हैं। तो कायरा तो पहले से ट्रेन दी रहती है और उसे ट्रेन करने वाली और कोई नहीं, हमारी रिद्धि शाह रहती है। रिद्धि ने उसे बहुत अच्छे से पहले ही बास्केटबॉल के लिए ट्रेन किया रहता है और वो पुराने दिन अब फिर से याद आते हैं जिसमें जो हमारी कायरा रहती है उसे पता रहता है कि कैसे बॉल को फटाक से लेना है। वो फटाक से बॉल उससे छीनती है। बच्चे लोग इतनी बार कोशिश करते हैं रिद्धि से बॉल सॉरी कायरा से बॉल लेने के लिए पर कायरा से वो बॉल ले ही नहीं पाते। इधर ट्राई करते उधर ट्राई करते बहुत बार ट्राई करते लेकिन कायरा तो से बॉल छीनना अब इतना मुश्किल हो गया था। फिर कायरा बास्केट में बॉल डाल देती है, एक गोल हो जाता है। फिर वो बोलती है कि क्यों बच्चों अभी भी खेलना है या फिर और कुछ ही बचा है? तो वो कहते हैं ठीक है ना मैम अभी फिर से करते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है आपको, एक गोल करने से कोई जीतता नहीं है। तो वो कहती है सही बात है चलो दोबारा लो। फिर सबके सब आ जाते हैं, फिर फटाफट वो फिर से करने लगती है, फिर उससे बास्केटबॉल छीनना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत कोशिश करती है कि बास्केटबॉल छीने छीने लेकिन कोई छीन नहीं पाता है। फिर से वो दूसरी बार गोल कर देती है। इस बार वहाँ के बच्चे लोग मतलब कुछ 6-7 लोग खेल रहे रहते हैं और अकेले कायरा के अगेंस्ट 6-7 लोग, सोचिए फिर भी कोई बॉल छीन नहीं पा रहा रहता है। तब वो एकदम से बोलती है कि अब हो गया है? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी भी एक और है, अभी आप रुको ना, इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की, अभी तो हम आपको सिर्फ गोल करने दे रहे हैं, अभी हमारी बारी भी है। वो बच्चे लोग भी बड़े ढीठ रहते हैं, इतना आसानी से जाने तो देते नहीं है। तभी वो एक वहाँ का जो जिसकी दादागिरी सबसे ज़्यादा चलती है और जो सबसे ज़्यादा कायरा के साथ आर्ग्यू कर रहा रहता है वो एकदम से बोलता है कि सुन तू ना पीछे खड़े हो जाना, मैं थोड़ा सा धक्का दूंगा ये लड़की गिर जाएगी ना उसके बाद मज़ा आएगा। तो कहता है यार सच्ची में? तो कहता है हाँ यार चल चल। और ऐसी बास्केटबॉल खेलते खेलते वो जैसा उन लोगों का प्लान रहता है कि पीछे खड़े हो जाएंगे कायरा के और थोड़ा सा कायरा को धक्का देंगे और गिर जाएंगे, तो वैसे ही होता है। कायरा थोड़ी सी गिर जाती है, जैसी वो गिरती है तो वो एकदम से उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें गेम खेलना नहीं आता है तो खेलते क्यों, चीटिंग करना यहाँ का नहीं होता है। तो तभी वो कहता है आप नहीं खेल पा रहे हो तो आप चीटिंग का इल्ज़ाम थोड़ी ना लगाओ हम पर, आप नहीं खेल पा रही तो चीटिंग का तो इल्ज़ाम का मत बोलो ना, आता है नहीं खेलना। तो वो कहती है ओ लिसन मैंने 2 बार गोल किया है, तुमने 1 बार भी मुझसे बॉल तक नहीं छिड़ा पाए और तुम मुझे कह रहे हो? तो कहते जाइए जाइए मैम अब आपके पैर में लग गई है, आप कुछ खेलने लायक नहीं हो और आपको कुछ आता नहीं है। तभी वो गिरी रहती है, जब वो उठने की कोशिश कर रही रहती है तो हाँ उसके थोड़े से लेग पे लग चुकी रहती है बट थोड़ा ही लगा रहता है, ऐसा नहीं कि वो चले। तभी तनु भाग के आई रहती है, उससे पहले तनु पहुंचती, वहां से एक हाथ आता है और वो कायरा की तरफ आता है और कायरा को अपनी ओर खींच के खड़ा करता है। हाँ वो रिद्धि रहती है। रिद्धि कायरा को देख के बोलती है कि, तो कायरा को थोड़ा सा अब लगता है कि शिट मुझे डांटेगी तो नहीं रिद्धि कि मैंने मतलब बच्चों के साथ पंगा लिया और मुझे चोट लग गई, लेकिन रिद्धि कुछ नहीं बोलती। रिद्धि तनु की तरफ बोलती है कि कायरा को लेकर जाओ। फिर वो खड़े होकर बोलती है क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बास्केटबॉल मैच अगर मैं जीत गई तो तुम लोग सुनोगे जो मैं बोलना चाहती हूँ? तो वो कहते हैं कि हाँ पर आप जीत नहीं सकते हो, हम 7 लोग हैं और आप अकेले हो। तो कहते हैं मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि मुझे कुछ समझाना है आपको, अगर मैं आपको ऐसे बोलना स्टार्ट करूंगी तो शायद आप नहीं समझोगे, लेकिन इसलिए मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ये मैच जीत जाती हूँ तो आप समझोगे, तो मेरी मेरी बात सुनोगे? तो वो वहाँ से लड़का जो उनका बॉस रहता है वो खड़े होके बोलता है कि हाँ हाँ मैं सुनूंगा आप जो बोलोगे पर जीत के तो बताओ, आपकी वाइफ को तो ऑलरेडी चोट लग चुकी है। तो कहती है कि हाँ वो भी तुम लोगों ने चीटिंग से उनको गिराया,
वरना वो अकेले ही ये पूरा मैच जीत सकती थी। बट अभी इसको कंटिन्यू मैं करूँगी। दो गोल ऑलरेडी हो चुके हैं एंड प्लेयर सिर्फ चेंज हुआ है। तुम्हारे 7 प्लेयर हैं, तुम 7 के बदले 8 कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर इस 60, नो नो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तनु टाइम कितना हो रहा है? कहती है कि 1:30 हो रहा है मैम। तो कहती है ओके, 2 o'clock तक अगर तुमने मेरे गोल के बराबरी भी कर दी तो भी ये मानूंगी कि तुम जीत गए हो, और अगर 2 o'clock तक मैंने अगर ज़्यादा गोल कर दिए तो मैं जो बोलूँगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो वहाँ का वो लड़का कहता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंट क्या है, आप तो प्रोफेसर हो, आपको तो ये बास्केटबॉल भी खेलना भी नहीं आता होगा, फिर भी ऐसी क्यों काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुद का ही नुकसान करो। तो फिर से रिद्धि अपने सख्त लहजे में कहती है, मैंने कहा आप एग्री कर रहे हो या नहीं, मुझे आता नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है ठीक है। फिर यहाँ पर वो दोनों एग्री हो जाते हैं और अब आधे घंटे का रहता है। इस ड्यूरेशन में वो जो लड़का रहता है वो रिद्धि से बॉल छीने नहीं पाता है। रिद्धि फटाफट बॉल को अपने हाथ में लेती है और वो जिस तरीके से टैप कर रही रहती है, जो लेग्स के बीच में से बॉल को पास करना, वो बॉल किसी को छूने तक नहीं देती है और 2 गोल ऐसे कर लेती है। यहाँ पर ये सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि एक प्रोफेसर जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाकू टाइप की है, वो इतना अच्छा गेम कैसे खेल रही है। फिर वहाँ पर वो जो लड़का अपने दोस्तों से बोलता है इशारों में कि जैसे मैंने बोला है ना, इसको गिराओ गिराओ, तो पर बहुत कोशिश करते गिराने के लिए, लेकिन जो रिद्धि रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती है और गेम के उसे सारे तौर तरीके पता रहते हैं। वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, लेकिन वो ये भी ध्यान रखती है कि कोई उसे भी हार्म ना पहुंचा सके। और फिर वो जिस तरीके से गेम खेलती है, इधर से उधर बॉल करती है, उस बीच में वो एक और गोल कर देती है। अब टोटल देखा जाए तो 5 गोल हो चुके रहते हैं, 5 बास्केटबॉल में गोल हो चुके रहते हैं, और वहाँ पर वो बच्चे लोग एक भी गोल नहीं कर पाए रहते हैं, और सिर्फ 10 मिनट बचे रहते हैं, और 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ रिद्धि टाइम पास करती है, क्योंकि अब उसे गोल तो करना नहीं था, तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉल से टाइम पास कर रही रहती है। और वो बच्चों की तरफ बॉल पास भी करती है, और जैसे वो पास करते हुए एक दूसरे की तरफ बॉल देते हैं तो वहाँ से वो रिद्धि वो बॉल छीन लेती है, और करेक्ट 2 बज जाते हैं, और 2 बजे के बाद वो बच्चे पूरे तरीके से हार जाते हैं। लड़कियाँ भी रहती हैं उसमें से कुछ, तो लड़कियाँ वहाँ साइड में खड़ी रहती हैं। तभी वो कहते हैं कि अब मेरी बात सुनोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो आप? तो कहती हैं कि पहले तो ये एक बात बताओ, ये लेस्बियन लेस्बियन क्या लगा के रखा है आपने? आपको पता भी है LGBT कम्युनिटी क्या होती है? तो वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है, एक लड़की से प्यार करती है उसे लेस्बियन कहते हैं। तो वो गाली है क्या? तो कहता है कि नहीं। तो फिर आप चलते चलते इंसान को लेस्बियन लेस्बियन क्यों चिल्ला रहे हो? अगर आप स्ट्रेट हो, आपको एक लड़की पसंद है, तो हम लोग तो चलते चलते आप लोगों को ये चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते ना कि तुम स्ट्रेट हो स्ट्रेट हो स्ट्रेट हो। तो फिर हम लोगों को एक गाली की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है कि चलते चलते लेस्बियन है लेस्बियन बोला जा रहा है? देखो तुम लोगों की जो एज है ना, इस एज में यहाँ पर अगर 10 बच्चे खड़े हैं, इस 10 बच्चों में से ऐसे 2 बच्चे तो होंगे जो अपने जेंडर वालों से प्यार करते होंगे, सेम जेंडर से। और अगर वो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, ऐसा माहौल मत क्रिएट करो कि वो खुद अपने दोस्त को ये ना बता पाए कि यार मुझे तुझसे प्यार है, या मैं किसी लड़का हूँ तो लड़के से प्यार करता हूँ, या मैं एक लड़की हूँ मैं लड़की से प्यार करता हूँ। माहौल ऐसा बनाओ कि लोग फ्रेंडली होकर तुमसे आकर बात कर सकें, तुम्हारे सामने बेझिझक होकर बोल सकें। ऐसा माहौल मत क्रिएट करो कि लोगों को ये चीज़ लगे कि बाप रे ये क्या है। तभी वो शर्मिंदा होते हुए बोलता है कि सॉरी। तो कहती है कि सॉरी की बात नहीं है, आज एक चीज़ मान लो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर कोई? तो कहता है कि हाँ मेरा दोस्त है। मान लो ये गे है और इसे तुम ही पसंद हो, और इसने आकर तुम्हें बोला, तो तुम क्या इसको छोड़ दोगे? तब तुम्हारी दोस्ती कहाँ चली जाएगी? मान लो तुम्हारा खुद का भाई है, अगर उसे लड़का खुद पसंद है, ये है, तो क्या तुम अपने भाई के लिए दुनिया से लड़ने की कोशिश नहीं करोगे?
मुझे समझ में नहीं आता है अक्सर ऐसा क्यों होता है। जब खुद के पे आती है तभी इंसान को समझ में आती है, दूसरों का दर्द तो दूर से भी समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा समझ के लिया करो और अपनों को सपोर्ट करना सीखो। तुम नई जनरेशन, मेरी तो शायद जनरेशन तुमसे भी पुरानी है। तुम्हारी और मेरी सोच में करीब 10-12 साल का अंतर है, पर इस 10 और 12 साल के अंतर में भी मैं ओपन माइंडेड हूँ और ये सोचती हूँ कि कल अगर कोई मुझसे छोटा बच्चा आकर मुझे ये कहे कि मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, लड़की होकर मैं लड़की को पसंद करती हूँ, तो मैं वो चीज़ समझूँ। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने माँ बाप को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर पाओगे कि मम्मा मैं तो लड़की हूँ मुझे लड़की पसंद है, मैं तो लड़का हूँ मुझे लड़का पसंद है, जब तुम्हारे खुद के दोस्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ही अपनी ही जनरेशन वालों को एक ओपन स्पेस नहीं दोगे, उन्हें वो चीज़ समझाओगे नहीं, उनके लिए वो सब चीज़ें नहीं रखोगे, तो कैसे चलेगा। आप लोग तो बड़े अच्छे से बोलते हो ना कि हमें तो मॉडर्नाइज चाहिए, हमें तो हर चीज़ चाहिए, हमें तो फॉरेन लोगों की तरह रहना है, हमें ये चाहिए, बट क्या आप खुद रहना चाहते हो। वहाँ से एक लड़की निकल कर बोलती है, मैम मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, और हाँ रोहित मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। तभी वहाँ से एक लड़का निकलता है और वो आके बोलता है, रोहित मैं तेरा कुणाल, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे तो तू ही पसंद है यार, बट तू ये गे और इन सब चीज़ों के लिए बोलता है ना, इसलिए मैं कभी बोल नहीं पाया। तभी रोहित अपनी नज़र नीचे झुकाकर बोलता है, सॉरी मैम, आज समझ में आया जब अपनी बेस्ट फ्रेंड अगर ऐसी स्टेज पर हो तो क्या करना चाहिए, शायद अब समझ जाओगे आप। और ये बोलकर वहाँ से रिद्धि निकलती है। ये देखकर तो भाई हमारी कायरा का तो मन और गार्डन गार्डन हो जाता है, और तनु भी देख के शॉक्ड होती है कि मैम कहीं पर भी जाएं और फिर अपने बातों से लोगों को कन्विंस ना कर पाए ऐसे। एंड जाने से पहले पहले जो हमारी कायरा इन बच्चों की तरफ बोल के जाती है, मैंने कहा था ना जिसके बारे में उंगली उठा रहे उसके बारे में बायोग्राफी भी जान लो, पर नहीं जाना। सो शी इज़ रिद्धि शाह, जो अगर तुम्हारा इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस अगर जीत कर आई है, पूरी जगह कंपटीशन में है, वो इन लड़की को बास्केटबॉल चैम्पियन भी रह चुकी हैं, शी इज़ अ नेशनल प्लेयर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए थी, बट आपने ये चीज़ नहीं जानी, और उनसे बास्केटबॉल जीतना आसान नहीं है। तभी रिद्धि कायरा का हाथ पकड़ के बोलती, चलो तुम्हें क्या करना है, तो कहते कि सीख लेना, और हाँ मुझे सिखाने वाली मेरी ही वाइफ रही है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल रही रहती है। कायरा और तनु एकदम हंस रहे रहते हैं, रिद्धि के सेम एक्सप्रेशन होते कि उसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो यहाँ से जाती है, तभी वो पूछती कि मैम अब कहाँ चलना है अपन को, तो कहती है हाँ हमें एक ज़रूरी काम है मुझे वो कंप्लीट करना है, तो चलो तनु तुम चलोगी, तो कहती हाँ मैम आज तो मैं दिन भर फ्री हूँ चलो। फिर यहाँ से ये लोग कैब लेते हैं और जाते हैं। बहुत एरिया अलग रहता है क्योंकि ये लोग एक्चुअली में ना न्यू दिल्ली में रहते हैं, लेकिन ये लोग जा गुड़गांव रह रहते हैं। गुड़गांव को अब शायद से गुरुग्राम कहा जाता है, तो वो लोग वहाँ जा रहे रहते हैं और अच्छे स्पीड में ये लोग जाते हैं। वहाँ जाकर एक एक घर रहता है, एक घर के वहाँ पर पहुँचते हैं, और तो तभी कायरा से तनु पूछती है, ये कौन सा एरिया तू जानती है क्या, तो कायरा बोलती नहीं यार मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे भी नहीं पता, और मुझे कैसे पता होगा, मे बी शायद से रिद्धि के कोई रिलेटिव्स या कोई रहता होगा यहाँ पर, शायद इस वजह से वो आई है। तो कहती रिद्धि का, तो कहती यार मुझे नहीं पता यार, तो तनु बोलती नहीं तेरे रिलेटिव पता था, तेरे दादा दादी, नहीं तेरे नाना नानी या दादा दादी उनमें से कोई और रहता है, तो वो कहती है मेरे दादा दादी, नहीं मेरे नाना नानी रहते हैं, तो कहती खुद कंफ्यूज इंसान चल अंदर, ऐसे तनु बोलती है। तभी रिद्धि वहाँ से जाती है और बैल रिंग करती है, तभी वो जो बैल ओपन करती है तो वहाँ से एक सर्वेंट आकर पूछता है, यस एक्सक्यूज मी मैं अनु होस्टेस, तो वो कहती है कि
मुझे मिस रघुवंशी से मिलना है। तो वो बोलते हैं कि कौन रघुवंशी? तो मतलब आप रघुवंशी हाउस में ही हो। कायरा और जो तनु रहते हैं वो थोड़ा पीछे रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि रिद्धि क्या बोल रही है। तभी वो बोलते हैं मुझे मोहिनी रघुवंशी से मिलना है, और ये बोलकर वो अंदर जाती है। तभी वो रिद्धि दोनों की तरफ देख के बोलती है अंदर चलो। और ये करीब कुछ टाइम रहता है, 3:30 या 4 बज रहे रहते हैं, उस वजह का टाइम रहता है, और ये दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। तब वो बैठते हैं तो कहते हैं मैं मैम को बुला देता हूँ। तो थोड़ी देर में जब वहाँ से उनके फ़ोन जाता है और फ़ोन आता है, सामने जो हमारी मतलब फोन आता है मोहिनी को कि आपसे कोई मिलने के लिए नीचे आया है। तो मोहिनी नीचे जाती है, और जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है सामने, तो वो नज़ारा देख के वो शॉक हो जाती है, और साथ ही साथ हमारी तनु प्लस कायरा दोनों शॉक हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।